संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बीजेपी प्रदेश में धूमधाम से मना रही है। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के बोडाफस चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, आलोक शर्मा समेत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश के हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारेंगे। कांग्रेस के अंबेडकर जयंती मनाने पर वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर जयंती मनाए अच्छा है, लेकिन उनके विचारों को भी आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब के विचारों पर काम नहीं किया। हमारा कार्यकर्ता संकल्प लेकर बूथ बूथ पर जा रहा है, इसलिए कांग्रेस को दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न जमीन बची है न नेता बचे हैं। आज प्रत्येक बूथ पर 64,364 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर सामाजिक समरसता के संकल्प को लेकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र है, जो बाबा साहब का मंत्र था, उस पर आज हम प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब को प्रणाम करेंगे, उनको नमन करेंगे और बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर के आज हम मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है अगर कोई जा रहे हैं और बाबा साहब को अगर विचारों को, मैं चाहता हूं कि केवल जाने से या माल्यार्पण करने से काम नहीं होगा, उनके विचारों पर कुछ काम करें तो मुझे लगता है कि और अच्छा है, करना भी चाहिए। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने मोहनचंद शर्मा की शहादत पर आतंकवादी को समर्थन करने और सम्मान करने गए थे और कहा था फेक एनकाउंटर है, जिस आतंकवादी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। खरगोन के दंगे में गलत फोटो ट्वीट करके धार्मिक उन्माद फैलाना जिन्होंने स्वीकार किया है, पूरे देश ने देखा, मध्य प्रदेश ने देखा, कल ट्विटर पर ऑल इंडिया ट्रेंड किया दंगाई कांग्रेस। ऐसे दिग्विजय सिंह को जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं उनको कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे तो मध्य प्रदेश का क्या होगा और उस कमेटी का क्या होगा, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। PFI भी फंडिंग करता है, किया भी है, यही तो है। मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही बहुत दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन तथाकथित चूंकि सोनिया जी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हथकंडे के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका में, इनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पता नहीं कहां से ऐसी चीजों की बात करने का प्रयास करती है। जिस मध्य प्रदेश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं, जिस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज 42 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है, तो आप मुझे बताइए कि जब इतनी सिंचाई की सुविधा किसानों को मिली है तो कांग्रेस झूठ और छल कपट ही हमेशा करती रही। हमने तो कुछ नहीं किया, ये सब जो हो रहा है वो तो केवल अभी शायद कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी ने तो कल कहा है कि EVM जो है यही कारण है चुनाव जीतने का। लोकतंत्र में इतना मजाक कहीं हो सकता है? उनके पास कोई चीजें बची नहीं है, उनको भी कुछ करना चाहिए। गांधी जी के विचारों को उन्होंने कभी जीवन में केवल दिखावा करते रहे, इसी प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर कभी उन्होंने काम नहीं किया।